हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेंचर की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल हैं। लोकेशन आपकी बेंगलोर की होने वाली है। सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। 22 और 23 पास्ट आउट अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार की कोई भी वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन आए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल, चाहे वो ऑफ कैंपस हायरिंग हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम ऑफ कैंपस हायरिंग हो, चाहे किसी भी कंपनी से हो, हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। और हर दिन हम ट्राई करते हैं 1 से 2 वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी या किसी प्रकार की वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी या ऑफ कैंपस हायरिंग आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अपॉर्चुनिटी आप देख पा रहे हैं ये आ रही है एसेंचर की तरफ से। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये एसेंचर की होम वेब, क्या बोलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़ के दिखा देता हूँ। तो ये होने वाली सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, जिसमें एलिजिबल हैं 22 और 23 वाले। एक्सपीरियंस आपका मैक्सिमम होना चाहिए 11 मंथ्स, मिनिमम होना चाहिए 0 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा सैलरी आपकी होनी चाहिए 3.447,000, मतलब 3,44,700 अप्रोक्स 3.5 LPI से लगा सकते हैं। ठीक है, लोकेशन आपकी होने वाली बेंगलोर की। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकता, BE BTECH ME MTECH MC MSc CSIT वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा ये सारे कर सकते हैं। ये देख सकते हो एलिजिबल क्राइटेरिया में, देखो BSc BBA BCOM BBA SI BEd वगैरह सभी, और पर्टिकुलरली 22 और 23 इयर्स वाले ही। और आपका अगर आप मास्टर्स है तो 2 इयर्स में कंप्लीट होना चाहिए, अगर आपका बैचलर्स है 3 इयर्स में ही होना चाहिए, और लास्ट के 3 मंथ्स में आपने कभी एसेंचर में अप्लाई नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, तो और प्रोसेस भी आप देख सकते हो यहाँ पर। पहले होगा असेसमेंट होगा, फिर आपका टेक्निकल जो ऑप्शनल होता है इसमें, फिर होता है कम्युनिकेशन, फिर इंटरव्यू। ठीक है, बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।